ड्रीम में भी नहीं था कभी कि साइकिल चलाना। हाँ स्कूल तक मैंने चलाई थी, इन्होंने भी चलाई होगी स्कूल में, छह बच्चे ही चलाते हैं। और इसके बाद तो कभी सोचा नहीं कि साइकिल चलाए। और 2014 में मेरे को नी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और नी प्रॉब्लम भी ऐसे आप सोचो, सडनली जैसे मेरे को पहले तो पेन ही रहता था, सॉलन हो गए, स्टिफ हो गए। इट वॉज 2015 फर्स्ट जनवरी, हम डॉक्टर रजनीश सिंह हैं यहाँ संवेदना हॉस्पिटल में, तो हम उनके पास गए। उन्होंने बोल देखा, एक्सरे किया, बोला मैम ये तो डिजनरेशन ऑफ बोन्स है, एज फैक्टर है और रिवर्ट भी नहीं हो सकता। मैं योगा में बहुत बिलीव करती हूँ शुरू से और काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिशनर रही हूँ योगा की, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। रे गई और जैसे वो दिखा रहे थे एक्सरे को, मेरा बेटा साथ था, मैं तो उनको समझाया कि देखो अगर ये केयर नहीं करेंगी, वॉक नहीं छोड़ेंगी, सिर्फ स्टेयर चढ़ना, ये आप साल डेढ़ साल में आप नी रिप्लेसमेंट सोच लो। आप सोचो मेरी तो गाड़ी ट्रैक से नीचे आ गया। ऑनेस्टली वो होता है ना कि जैसे जो बंदा बहुत, या तो मैं ऐसी, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि मैं बिल्कुल आराम आराम से, मैं वैसी कभी भी नहीं थी। ऑलवेज हैव बीन एक्टिव एक्टिव, पर अब मरता क्या ना करता वाली बात होती है, तो थोड़ी देर मेडिकेशन की। फिर हमने दिसंबर में 2015 में मेरे बेटे ने सिखाई साइकिल, लिटरली बच्चों की तरह। मैं ऑनेस्टली ये बात सच में कह रही हूँ, मुझे लगता है तभी मैं, जब भी बात होती है मैं कहती हूँ कि बेटे ने मेरे ने साइकिल पे बिठाया, ये पक्की बात है। लेकिन हमने सीखा बहुत सारे, आप यंगस्टर से है, सैडल का भी नहीं पता था, कैसे करना है नहीं पता था। ऑनेस्टली क्रेडिट गोज टू यू ऑल यंगस्टर्स सच में, कि जिनकी एनर्जी से हम भी आगे निकले। और तो वो एक यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने ऑर्गेनाइज की थी राइड 2015 10 दिसंबर थी, साइक्लोथॉन थी। तो हम लोग अननेसेसरी ऐसे ही, आता भी नहीं था, अभी 5-6 तारीख को साइकिल खरीदा, चले गए कि देखते हैं। सब लोगों के लिए साइकिल के लिए आए, पर तो हमने वो 8 किलोमीटर की राइड थी मैक्स तक वो की। लेकिन उसने हमें, मुझे स्पेशली एक चीज तो जरूर सिखाई कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते ही नहीं कि वी कैन डू, अगर हम एक स्टेप लेंगे ही नहीं कैसे पता लगेगा नेक्स्ट पता क्या होगा। हल्का सा करेज ना करती, आप सोचो उस दिन हमें घर से पैसिफिक मॉल तक साइकिल लाने के लिए भी हमें लगा कैसे ले जाएंगे। तो रात को ही नरूला को फोन किया, भैया तू स्टैंड लगा जा गाड़ी पे। वो बहुत बड़ा काम था पैसिफिक तक आना। पहली राइड जो हम घर से निकले थे 200 मीटर की थी हमने, मतलब वो भी बड़ी ऐसा थी, बड़ी भारी बात थी। गार्डन वाला में ना वो 200 मीटर गए मुश्किल से हम, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छी चीज थी जो शायद मेरे और इनमें बहुत सेम है कि हमने कंटिन्यूटी रखी। ये बहुत जरूरी है। वो जो मैं कहती हूँ ब्यूटी ऑफ टुगेदरनेस वाली एक बात होती है, हम दोनों का साथ ऐसा था, हम बिना किसी कोई चलेगा या नहीं चलेगा यूं जाते थे, भले हम 200 मीटर करके आ रहे हैं या 1 किलोमीटर करके आ रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते आप तो सर बता रहे थे कि यू वेंट टू गंगोत्री और सम प्लेसेस। फिर हमने गंगोत्री बाय साइकिल, हां टू टाइम वी हैव बीन देयर। फिर हमने 2016 में मतलब प्रॉपरली साइकिल शुरू की। पहली जो अच्छी साइकिल हम कभी कहेंगे वो हमारी 4 जुलाई को थी, ये जॉर्ज इवर्स का बर्थडे होता है। एक रेस उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की थी गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा। अच्छा अच्छा जीएमवी ने, ओके, उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, तो हम उसमें गए थे। और सभी ने हमें डिमोटिवेट किया कि नहीं मत जाओ बहुत वो है। मैंने कहा ठीक है, अरे अपने आप को हमें चैलेंज करना है ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे ट्रबल हम किसी को भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो हमने किया ना, मतलब ऑनेस्टली वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, अच्छा अच्छा लगा बहुत। फिर हम नॉर्मली मतलब बहुत बार जाते और फिर हम जैसे रेसेस हुई जितनी भी अपनी नॉल्टी वाली रेसेस हैं, 3 बार अभी तक हुई है, 3 बार हम गए 75 किलोमीटर वो हम करते हैं। फिर वापसी हम मेन रोड से आते हैं।
शाम को घर वापस ना, हम साइकिल से घर से ही साइकिल से जाते हैं, वापस साइकिल से ही लौट के आते हैं। नॉर्मली लोग वो ना गाड़ी में हां गाड़ी में आते हैं, हम लोग राइड करके आते हैं, मेन बस वापस मेन रोड से जाते हैं, जाते ही मालदेवता से चले जाते हैं। अच्छा, पहले तो देहरादून की सराउंडिंग्स, वही मैं आज अभी एक लड़का हमारे साथ था ना, मैंने उसको बता रही थी कि हम लोग जिस दिन केमाड़ी पहली बार आए ना, तो वो ये है ना ये बाइसिकल प्लेनेट, इनका इन्होंने एक छोटी सी राइड की थी केमाड़ी के लिए, रेस करवाई थी। मैंने पहली बार उस दिन केमाड़ी का नाम सुना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं, कहते ना ये बहुत वो तो टफ है, ऐसी कच्चा रास्ता है, हम नहीं जा सकते वहाँ। तो मैं जब चुप हो गई, तो थोड़े दिन बाद मैंने रमन से पूछा कि कैसा है केमाड़ी क्या, मैंने कहा पैदल पैदल जा सकते हैं, कहता हाँ आप ड्रैग करके ले जाओगे। तो हम आ गए, तो हमने ना जहाँ देखा 4 किलोमीटर जवाड़ी से लिखे ना 4 किलोमीटर की माड़ी, अरे मैंने उनको बोला अरे हम तो आ गए, 4 ही तो रह गया। आप सोचो जब वो 4 में हमारा धुआं निकाल दिया। लेकिन वो करने के बाद वो जो एक स्टेप लेना है ना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस चीज को बस उस टाइम आप अगर दोनों चीज होती है, दोनों चॉइस आपके पास, आप थोड़ा डर भी सकते हो, बैकफुट भी ले सकते हो, और थोड़ा सा हिम्मत करके आगे भी निकल सकते हो। तो वो हमने बस वो चीज रही, और फिर पहले शहर को एक्सप्लोर किया, आसपास के गांव को सब जगह, फिर ये कभी पौंटा चले गए, कभी ऋषिकेश, हरिद्वार, कालसी। तो मैम ये कितना फ्रीक्वेंटली आप राइड करते हैं, एक वीक में डेली? हम तो नॉर्मली डेली, मतलब अभी तक तो हम डेली करते हैं, डेली ओके, लेकिन अब हम थोड़ा सा चेंज करने के लिए सोच रहे हैं कि 2 दिन ही करेंगे, लेकिन लॉन्ग करेंगे। अभी तक हम क्या मेरा हमारा 300-400 मतलब, क्योंकि हम नॉर्मली जैसे करते हैं, मान लो शहर से 12 जा रहे हैं, तो वो 48-49 है करीब, मतलब 35-50 के बीच में एक राइड आ जाती है, तो वो हम जैसे, और सैटरडे संडे को कभी चले गए हरिद्वार, तो वो सही रहता है, हमें भी अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं सोशलाइजिंग। अगर मैम लेंगे? नहीं नहीं मैं नहीं, मैंने जो लेना था मैंने ले लिया। ये सवाल आपकी पहली, अभी जब हमने मनाली टू खरदुंगला किया 2018 में जुलाई में, तो पहले तो हमें डायरेक्टर ने जब हमने बताया ना फोन करके उनको कि ऐसे, तो उन्होंने तो बहुत डिस्करेज कर दिया। तो मैंने फिर उनको एक छोटी सी मेल की, मैंने उनको बोला कि हम तब तक हम गंगोत्री होके आ चुके थे, केदारनाथ होके आ चुके थे, तो मैंने कहा हमें पर लेकिन अपने आप करना और डेली करना डिफरेंट चीज़ होती है ना, एक दिन किया 4 दिन आराम करिए वो अलग बात होती है, बैक टू बैक करना अलग बात होती है। तो मे भी उनको लगा, फिर उन्होंने बोला ठीक है स्क्रीन टेस्ट में निकल जाओगे तो आज तो चले जाना। हम आगे चले गए, अगले दिन 4 तारीख को बात हुई, 5 को हम निकल गए, और फिर लेकिन वहाँ पे सभी यही सवाल करते थे, सुबह जब नाश्ता होता था ना, अब बच्चे लोग 4-4, 6-6 अंडे खाते थे, सब बच्चे खाते थे। तो मैं सिर्फ, उन्होंने वेजिटेरियंस के लिए 2-4 लोग ही थे, आलू बॉयल किया रखे होते थे या सेमिया, आई डेट नॉर्मल वेरी बेसिक जो हमारा घर का खाना होता है। बस सिर्फ जैसे लॉन्ग राइड्स में हम फ्राइड राइड ऐसी चीजें नहीं खाते, अवॉइड करना चाहिए बस। हाँ, स्पेशली ड्यूरिंग राइड, जैसे अभी हम कश्मीर टू कन्याकुमारी के लिए निकले थे, तो हम दोपहर को सिर्फ फ्रूट्स या लस्सी ऐसी चीजें, मैं इनफैक्ट जूसेस भी नहीं पीती थी। वो भी नहीं पीती हूँ मैं, इससे ज्यादा अच्छा लस्सी पी लेते हैं या फ्रूट ही खा लेते हैं। मैम एक्चुअली ना काला सर ना पूछ नहीं पा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम बियर पी सकते हैं। क्वेश्चन सबके लिए
आप मेरे से पूछते हैं। तो वो फ्रूट के बाद फ्रूट बियर बोलने वाले।